मार दिया, गला काट दिया। हाँ, but, किलिंग शुरू हुई ना उसमें, जैसे कि वो मुन्नी भाई के उस पे जाता है। हाँ बोलो। दूसरी फनी पैनल याद आया मुझे कि एक जगह उसको आग लग जाती है और नंगा पूरा नंगा हो जाता है। साबु की सस्ती कॉपी लग रहा था उसमें वो। हिसाब से आप रीसेंट वाले जो देखोगे ना, ब्रेन भी नहीं लगा हूँ खोल करके उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो दोबारा दोबारा। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे, मैं भूल गया। आपको तो नमस्कार मित्रों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं एनआरआई मित्रों के साथ एक नया पॉडकास्ट लेकर के। दुग्गल साहब मिलन और दुग्गल और मिलन ब्रैम्पटन से, अमित भाई लॉस एंजलिस से, इंद्राशीष नहीं है आज हमारे साथ, जीत भाई सैन होजे से और मैं खुद डैलस से। तो आज हम लोग बिना किसी देरी के चर्चा करने वाले हैं प्राण कुमार शर्मा जी द्वारा रचित अनेकों कैरेक्टर्स में से एक राका, राका के बारे में, जो कि एक डकैत होता है और वेदाचार्य चक्रमाचार्य की दवाई पी करके जड़ी बूटियां वो अमर हो जाता है। वो वेदाचार्य ही होते हैं ना, वो डायमंड कॉमिक्स के वेदाचार्य है वो। सबसे कम उनको जो बहुत जल्दी मर जाते हैं वो पहली कॉमिक्स में निकल, जिनका स्क्रीन टाइम और पेज टाइम जो भी आप कह लें वो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम रहता है। मैं चाहता था कि उनको वो और गाली दें चाचा चौधरी को और गालियां दें साबू को, बट हो नहीं पाया वो। तो गाली देने वाला काम तो उन्होंने किया था ना, किन्होंने, वेदाचार्य ने। हाँ हाँ, चक्रमाचार्य ने। वो मुझे लगता है उस एज पर आने के बाद वो ऐसा ही मानसिकता हो ही जाती है कि यू पीस ऑफ शिट, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, मेरा इतना बड़ा बड़ा आविष्कार है ये लो और तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, मेरी इंटेलिजेंस को चैलेंज कर रहे हो। तो मुझे लगता है वो दोनों यूनिवर्स में हुआ है, राज कॉमिक्स में भी और डायमंड कॉमिक्स में भी। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोग आज राका की 16 कॉमिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे पैनल ऑफ गेस्ट्स हम लोग शुरू करते हैं, एक्सपर्ट पैनल ऑफ गेस्ट्स। तो वही स्टार्ट वैसे ही करते हैं कि भाई तुम्हारी पहली मेमोरी राका से रिलेटेड, एसएमई से स्टार्ट करो। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मिलन मोहंती। अब क्या बताऊं, राका मतलब पहला कैरेक्टर नहीं था वो डायमंड कॉमिक्स में मेरे लिए। मेरा तो शुरुआत हुआ था चाचा चौधरी एंड साबूस हामर से, और तब से मतलब डायमंड कॉमिक्स इज वन ऑफ द फर्स्ट कॉमिक्स दैट आई गॉट टू रीड। आरसी मनोज ये सब तो बाद में आए, लेकिन शुरुआत मोस्टली मुझे लगता है हमारे बैच के जितने भी रीडर्स हैं कॉमिक्स के, सबका शुरुआत मतलब वही डायमंड कॉमिक्स से ही हुआ होगा ऑलमोस्ट। तो पहला कॉमिक्स मुझे याद है 90 या 91 पे मैंने खरीदा था, या फिर 89 की भी शायद बात हो सकती, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। वो पहला कॉमिक्स था चाचा चौधरी एंड राका। उससे पहले जो जितने भी डायमंड कॉमिक्स हमने पढ़े थे पहले, वो सब एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जैसे थे और हल्के फुल्के थे, कॉमेडी था और बच्चों के लिए, मतलब ऑब्वियसली बच्चों का के लिए ही टारगेट करके वो स्टोरी लिखी जाती थी, लेकिन हर एक स्टोरी में आपको जैसे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता था, चाहे वो फनी या ह्यूमरस वे में हो, लेकिन अच्छा था वो। लेकिन दिस वाज फर्स्ट ऑफ अ काइंड स्टोरी था डायमंड का, कि जिसमें आप पूरे 64 पेजेस आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, जो मतलब बाद में रियलाइजेशन हुआ कि राज कॉमिक्स में या मनोज कॉमिक्स में हम जैसे डाइजेस्ट पढ़ने लगे थे राइट बाद में, तो ये उस जैसा था, तो कुछ तो था नहीं कंपेयर करने के लिए। और 32 पेजेस जितने भी थे सब 6 रुपए की कॉमिक्स थी जहां तक मुझे याद है, और ये 8 रुपए का था, तो मतलब काफी पेजेस थे उसमें। तो मैंने इसलिए खरीदा क्योंकि कवर बहुत सही था, कि साबू के हाइट के जैसा कोई और है जो वो एक्स लेके पूरे कवर को ऐसे मतलब घेर के रखा है, और बहुत इंट्रीग था वो कवर देख के, तो मैंने इसे ही ले लिया। मैंने कहा ठीक है, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं।
तो ले लिया मैंने उसको खरीद के, और जाके जब मैंने पढ़ा तो फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड, अब सोचो कि 89 90 में क्या उम्र हुई होगी कि इतना गोर और ग्राफिक कॉमिक्स पहली बार हम पढ़ रहे हैं, और ब्लडी तो गोरी सीन्स मिलन भाई उम्र 18 और 90 में मेरी जीरो साल उम्र थी। आप तो 2003 तक आपका जीरो ही है, राइट? तो सोचो कि उस टाइम पे अगर ये ब्लड और गोरी सीन्स हम देख रहे हैं कॉमिक्स में ना, मतलब क्या बीता होगा कि किसी को हम पूछ भी नहीं सकते, कोई दोस्त वगैरह नहीं थे जो कॉमिक्स पढ़ रहे थे उस टाइम पे। तो मैंने खत्म की, जैसे जैसे करके मैंने वो स्टोरी खत्म की, अच्छा भी लगा, लेकिन यार बात हजम नहीं हो पाई कि कॉमिक्स में कोई किसी को कैसे मार सकता है। वो कॉन्सेप्ट ही पहले नहीं पढ़ा कि ऐसे भी हो सकता है कॉमिक्स में, और उससे पहले जितने भी कॉमिक्स पढ़े हैं वो ऐसे मटेरियल्स नहीं है जिनको राका कॉमिक्स के साथ मैं कंपेयर करूं। तो दिस वाज काइंड ऑफ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस रीडिंग चाचा चौधरी एंड राका, और वही था कि उसके बाद आपको तो पता ही है, हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि राका ये जो कॉमिक्स थी डायमंड की वो पहले इंग्लिश में आती थी, और आप हिंदी में पढ़े होंगे, जब अभी रिसेंटली जब हमने पढ़ा तो उसको शायद हिंदी में ही पढ़ा है सबने। मिलन भाई अटक गए क्या? डायलॉग वगैरह वो भी सब नहीं थे, तो ऑलमोस्ट इट वॉज लाइक इंग्लिश स्टोरी फॉर्म में, शॉर्ट स्टोरीज जैसे होते थे राइट स्कूल में, तो वैसे शॉर्ट स्टोरीज हम पढ़े हैं उस टाइम पे पढ़े थे, लेकिन वो कभी ऐसे रियलिस्टिक आर्ट में, सॉरी रियलिस्टिक आर्ट बोल रहा हूँ, कार्टून आर्ट पे ऐसे नहीं देखे थे हमने राइट। तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था, मैं उसको शायद सही वर्ड नहीं दे पा रहा हूँ, डर हो या टेंशन हो या किसी से डाउट पूछने का जो क्यूरियोसिटी हो, वो सब मैं उस टाइम पे नहीं कर पाया था, एंड दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। ये आज भी है, मैं अभी भी जैसे बोल रहा हूँ ना, मुझे तब का दिन मुझे याद आ रहा है कि डर लगा था। नहीं नहीं, राका है, मतलब राका डिफरेंट है, मतलब हम लाइफ के किसी भी स्टेज में हो ना, लाइक राका का जो इम्पैक्ट है ना अभी भी मतलब डाइजेस्टेबल नहीं होता है, रैंडम किलिंग जो वहां पे हम लोग देखते हैं राइट। क्या मैं फिर बात करूं अपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताओ भाई, सीधा किलिंग पे नहीं जाना है तुम तो मुझे मेरे को जहां तक याद है, मैंने जो पहली किताब पढ़ी थी वो पढ़ी थी राका की वापसी, सेकेंड बुक। मैंने नंबर वन से, मतलब राका से नहीं शुरू करा था, और वो टाइम था जब मैं लाइक कलेक्टर नहीं था, आई वॉज जस्ट अ रीडर, पापा कोई भी किताब ले आए वो पढ़ लेंगे इस तरीके से, शायद ये पापा ने भी नहीं लाए थे। माई फर्स्ट चाचा चौधरी वॉज बर्फ का दैत्य, मुझे इतना याद है। और एक चीज जो है ना कि जैसे मिलन भाई ने बोला कि वो साबूज हैमर से शुरू करे थे, इसमें एक बात मैं बताना चाहता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मिलन भाई पूरी में रहते थे, तो दैट टाइम डायमंड वाज पैन इंडियन प्रॉब्ली राइट, एंड इसीलिए उनके पास इंग्लिश वाली किताब थी। मैंने हमेशा से, मतलब मेरी प्रिफर्ड लैंग्वेज ऑफ रीडिंग हिंदी रही है, तो सारी मेरे पास हिंदी में ही थी। और राका की वापसी में जो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा था ना, कि मुझे अभी भी याद है जो एंडिंग, जब वो पानी में उसे फेंक देता है और एक वेल आके उसे निगल लेती है, एंड देन स्पेस से कोई आ रहा है और मतलब उसको लेके जा रहे हैं, मतलब जब वो स्टार्टिंग जो होती है राका की वापसी, वो स्पेस से वापस धरती पे आता है। हम लोग को डायमंड की तो अपनी एंथोलॉजीज पढ़ने की आदत है, मतलब 5-10 पेजेस में या स्टोरी खत्म हो रही है, सिंपल सा एक इवेंट होता है, चाचा चौधरी सॉल्व करते हैं। बट ये वाला, मतलब वही 64 पेज का जो एक्सपीरियंस था ना, वो काफी डिफरेंट था, और द काइंड ऑफ रैंडम किलिंग्स दैट वर हैपनिंग राइट, अभी भी वैसे लगता है, मतलब अभी भी आप सोचो ना कि प्राण सर जो कि मतलब बड़े सिंपल तरीके से डे टू डे एक्टिविटीज में अपनी स्टोरीज बताते थे, उनके लिए सडनली कन्वर्ट करना, एंड अगर आप अभी भी, मतलब मुझे लगता है कि जो शुरुआत की 5-6 राके की किताब है ना, अभी भी पढ़ेंगे तो मतलब मे बी पीवर्ड्स 2-3 सेम ही है, बट वेरी वेल रिटन है, इट इज एंगेजिंग ऑन दोज।
तो वहां से मैंने पढ़ी थी. उसके बाद जब भी कोई राका की किताब मिलती थी वो ले ली ऐसे, मतलब पढ़ने के लिए, बट कभी ऐसे क्रोनोलॉजिकली मेंटेन नहीं किया कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं. तो ये है मेरी मतलब राका के साथ शुरुआती मेमोरीज. ओवर टू यू दुगल साहब. दुगल साहब मतलब सबकी तरह डायमंड कॉमिक्स तो फर्स्ट कॉमिक्स थी. उसका एक तो पहले रीजन था वो पेरेंट अप्रूव्ड होती थी, तो उसको लाने में मम्मी डैडी कोई वो नहीं करते थे, अच्छा ये ले रहे हो. राज कॉमिक्स में तब भी होता था क्या ला रहे हो, मारपीट है, वॉयलेंस है. अब मतलब डायमंड में प्राण जी के जितने कैरेक्टर्स हैं एवरीबॉडी वाज फैमिलियर कि इसकी किताब में, इस किताब में कुछ ऐसा नहीं होगा जो बच्चों पे निगेटिव हो, चाहे चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, कोई भी पढ़ लो. मतलब मेरे को ठीक से याद नहीं है चाचा चौधरी की क्यों पढ़ी, कौन सी पहले मैंने पढ़ी थी, क्योंकि बिकॉज डायमंड कॉमिक्स वॉज लाइक वो, अगर आप सब्जी लेने जानते हो ना धनिया मिर्ची की तरह, वो उठा ही लेते हो. मतलब बाकी में सेंशन करते हो, डायमंड की जो भी मिली वो उठा के रख लिया. एंड स्पेशली अगर चाचा चौधरी की है, मतलब जो राका की फैली मैंने पहली आठ, मैंने जहां तक मुझे याद है मैंने सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पढ़ा था. राका वॉज लाइक की पहली बार जैसे समबडी हु इज इक्विवेलेंट टू साबू इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड मतलब यू कैन से नॉट इंस्टेंट क्योंकि साबू से हर बार पीट देता है बुरी तरीके से जब भी साबू को गुस्सा आता है. बट ही वॉज लाइक मतलब साबू वॉज लाइक समथिंग, वो जो एलियन था राइट, वो जुपिटर से आया. राका यहीं से था एंड उसके पास वही एनर्जी वही पावर आ गई थी. एंड द मेन वो बचपन में होता है ना, ये इंसान मारा नहीं जा सकता है तो इसको कैसे चाचा चौधरी हराएंगे. That was, हर स्टोरी में हर जितने भी वो था यही पॉइंट होता था. आपकी चलो पिछली बार तो स्पेस में भेज दिया, आपकी बर्फ में डाल दिया, आपकी धरती में सुला दिया, आपकी क्या करेंगे. तो वो एक वो हमेशा वो रहता था कि अच्छा राका को कैसे. एंड राका वॉज लाइक मतलब मेरे ख्याल से चाचा साबू वर्सेज राका, चाचा चौधरी वर्सेज राका, इट वॉज मतलब कोई भी आती थी आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स फॉर चाचा चौधरी. एंड मेरे ख्याल से उनका एक ऑर्डर भी था ना, हर सौवी या सौवी में होता था, सौवी कॉमिक्स में राका आता था राइट. इट वॉज लाइक अ सेलिब्रेशन ऑफ चाचा चौधरी, तो वो होता था स्पेशल. आई नो मतलब मैंने सारी तो नहीं पढ़ी थी, मतलब एक फेज के बाद ना जाके जब आप उस डायमंड कॉमिक्स के फेज से आउट हो गए देन आई स्टॉप फॉलोइंग राका. लेकिन अभी पढ़ता हूँ मतलब जैसे मैंने अभी इस पॉडकास्ट के पहले पढ़ी तो पहली 10 कॉमिक्स था मेरे को लगा हाँ चलो ये बचपन वाली है, क्यों देख रहे हैं लाइक यू टीवी पे वो डक टेल्स या वो देख रहे हो ना, वो वाली फीलिंग पूरी टेलस्पिन वाली पूरी फीलिंग आ गई. तो वो एक था. एंड प्लस वो कुछ कुछ चाचा चौधरी रॉकेट और चाची के डायलॉग, साबू के डायलॉग, भूख लगी एंड ऑल दैट वाज सो नाइस. बस वही था हाँ, डायमंड कॉमिक्स में पहली बार खून दिखाया, लोगों को मरते दिखाया, बट आई डोंट नो मतलब उसका वही था कि उसको राका को बदला लेना था. बट आई थिंक इट वॉज टू अ लिटिल बच्चों के लिए, लेकिन आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आज के बच्चों के लिए कुछ नहीं है वो. हमारे लिए भले वो खून के छींटे जो दिखे जो एक्चुअली रेड भी नहीं थे, वो जो रेड कलर के भी नहीं थे, हमें तब भी अरे मार दिया, गला काट दिया. हाँ बट मतलब कहीं ग्लैमराइज नहीं किया है उस फीलिंग को, लाइक किल किल प्रोसीड राइट. और पहली किताब में तो वर्ल्ड टूर में किलिंग चल रही है, उस पे डिस्कस करेंगे डिटेल में. पहले सबका सुन ले भाई के ऊपर आ रहे हैं हम. मेरा तो मेरी सबसे अर्ली मेमोरी चाचा चौधरी की है, चाचा चौधरी डाइजेस्ट 1. वो पता नहीं कैसे मेरे फादर ने रखा था, मुझे लगता है ऐसे ही वो ट्रेन वगैरह में कहीं पे सफर कर रहे होंगे तो उनको मिल गई होगी ऐसे ही चुटकुलों की किताब. क्योंकि उससे पहले मुझे लगता है ना श्रीमान या श्रीमती करके एक कैरेक्टर आता था जो कि श्रीमती जी, हाँ श्रीमती जी, जो कि वो कार्टून स्ट्रिप्स ग्रीशोभा और इन सब बहुत सरिता वगैरह में बहुत ज्यादा फेमस था वो. तो जो कार्टून स्टाइल था वो वैसा ही मिलता जुलता था. तो मुझे लगता है मम्मी लोगों का अप्रूवल कॉमिक्स के लिए वहीं से आ गया कि वहीं से. हाँ क्योंकि उसका कार्टून का जो स्टाइल है बनाने का, जो कैरिकेचर बनाने का स्टाइल है, तो ऑलमोस्ट फेमिलियर था मुझे लगता है पेरेंट्स लोग को भी. तो फादर ने कहीं से ली थी और जब मतलब कि पढ़ना आया हिंदी मुझे, तो मुझे याद है कि चाचा चौधरी की पहली कॉमिक वाज माय चाचा चौधरी डाइजेस्ट 1, जिसमें कि वो एक आर्मर पहन करके लड़ने जाता है और वो रोशनदान से छलांग मारता है, तो चाची कुछ पूड़ियां या कुछ तो पकौड़े तल रही होती है साबू के लिए और उसी में गिर जाता है. तो आई यूज टू मेकअप स्टोरीज, जो फ्रेम्स जो बन रहे हैं, अगर पूरा हिंदी नहीं भी पढ़ पाता था मैं तो मैं पढ़ता था. तो मैं बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक वो किताब पढ़ा. मुझे ऐसा लगता था कि यही एक बच्चों के लिए पूरे वर्ल्ड में यही एक किताब है,
क्योंकि उसके बाद मुझे कभी कॉमिक्स मिली नहीं थी, फिर मुझे धीरे धीरे मैं बिगड़ना शुरू हुआ कि कॉमिक्स से परिचित होना शुरू हुआ जो भी कह लो. सो दैट वॉज माई फर्स्ट बुक ऑफ चाचा चौधरी. उसके बाद बिल्लू पिंकी. मेरे पड़ोस में एक भैया रहते थे, उन्होंने मुझे परिचय कराया कॉमिक्स की दुनिया से. उनका नाम आलोक तिवारी है, अब पता नहीं वो कहाँ पर हैं, बट उनसे मैंने सीखा. तो उनके पास सारे कलेक्शन होते थे, तो एक दिन मुझे लगा कि यार और इससे पहले मैंने कुछ साबू की कुछ ऐसी कहानियां पढ़ी थी चाचा चौधरी की, जिसमें कि उसके इक्वल हाइट वाले लोग मिलते थे, जैसे जुपिटर से उसकी फैमिली आती है. तो मुझे लगता था कि अरे हाँ यार, ये तो अच्छा है कि साबू इज नॉट अलोन विद दैट काइंड ऑफ बॉडी एंड हाइट, तो और भी लोग हैं. तो इसी दौरान फिर राका की कॉमिक्स आती है. तो जैसा कि मिलन ने कहा ना कि उसका पेज देख करके एकदम मेस्मराइजिंग था एक बच्चे के लिए कि अरे ये क्या हो रहा है, उसके हाइट का और दिखने में भी खूंखार, मतलब दाढ़ी वाड़ी एकदम, मतलब विद एक्स एंड ऑल. तो मैंने कहा कि यार इसको तो पढ़ना चाहिए. तो वही वो आलोक के यहाँ थी वो किताब, तो मैंने निकाल करके देखा और पढ़ना शुरू किया. और मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ गैग जैसा ही होगा, शॉर्ट गैग्स होंगे और फिर बाद में खत्म हो जाएगी, बट देखा कि ये तो पूरी कंटिन्यूअस स्टोरी है ये. और वो मेरे लिए मतलब एक तरीके का न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि प्राण जी कभी भी पूरी स्टोरी इससे पहले मैंने उनकी नहीं पढ़ी थी. तो मैं देख पढ़ता गया और आई वॉज वेटिंग फॉर लाफ्टर. तो राका की सारी कहानियों में गैग्स ही हैं अंटिल एंड अनलेस चौधरी एंड साबू मीट राका, जब उनका आमना सामना होता है तब. तो सीरीज ऑफ गैग को एक कहानी में पिरो करके फिर उन्होंने पूरी कंटिन्यूस स्टोरी बनाई. तो उसमें जो छोटे मोटे हल्के हल्के हंसी मजाक हो रहे थे दैट वाज ओके, लेकिन जब राका की किलिंग शुरू हुई ना उसमें, जैसे कि वो मुन्नी भाई के उस पे जाता है एंड ऑल दैट स्टफ, तो मुझे बहुत सही लगा. किलिंग्स नहीं मतलब वो मुन्नी भाई का पूरा सेटअप वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ, जो राका बैठ करके बिल्कुल ये और कंट्रोवर्शियल है. हाँ तो सिनेमैटिक था बिल्कुल, एग्जैक्टली शॉकिंग निकले. हाँ नृत्य जी शौकीन, मतलब ऐसा वो कैमरा एंगल भी ऐसा लगा हुआ है ना कि मतलब बैक पोज है राका का और सामने मुन्नी भाई डांस कर रही है, बिल्कुल एकदम मुजरा दिख रहा है. बोला अबे ये तो हिंदी फिल्म हो गई बिल्कुल. और फिर पुलिस आती है, फिर वो जंप करके सीधा घोड़े पे जाता है. बोला यार ये तो जबरदस्त है. अब तक मैं थ्रिलिंग उसमें मोड में आ गया था, मतलब कि मुझे इतना तो पता चल गया था कि ये अब ये कॉमेडी किताब नहीं है, ये थ्रिल की किताब है बिल्कुल. फिर उसके बाद फिर वो जाता है एंड फिर वो लोग शायद कहीं डकैती वकैती डालते हैं, तो उसमें पीछे से वो गला काटता है एक किसी सिपाही का या चौकीदार का. हाँ बैंक के उसके गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड का. हाँ राइट. तो इससे पहले जितनी भी मैंने किताबें पढ़ी थी प्राण जी द्वारा लिखी हुई, तो उसमें जब भी कुछ ऐसे सीन्स आते थे ना, तो जानबूझ करके फ्रेम ऐसा बनाते थे कि जो कटिंग या चॉपिंग जो भी कुछ हो रहा है वो आउटकम ना दिखे बच्चों को. वो एक्चुअली ना फ्रेम में जो पूरा कुछ फ्रेम में पूरा रहता था किलिंग, लेकिन कुछ पर्टिकुलर फ्रेम देखोगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि जैसे आर्ट बीच में से कट गया है, या प्रिंटिंग के टाइम जो ऐसे आर्ट कट जाता है ना, वो तो जानबूझ के. हाँ वो लेकिन जानबूझ के हुआ था कि थोड़ा हाइड कर सके. Exactly. कहीं कहीं पे तो मतलब उन्होंने दिखाई दिया है. तो जब वो मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो साला अब थ्रिल भी जा रहा है, अब तो डर लगने लग गया, मतलब इस तरीके का. अब वो मतलब मेरी जर्नी वैसे वैसे होती जा रही है. और फिर उसके बाद उसको भी डाइजेस्ट करते हुए आगे पढ़ता गया मैं. फिर मैंने देखा कि चलो अच्छा हुआ ये खत्म हो गया, इसको डाल दिया अंतरिक्ष में डाल दिया या कहीं पर डाल दिया. सो ही इज डन नाउ, डन फॉर गुड. फिर उसके बाद दूसरी कॉमिक्स आती है, जब ऐसे ही महीने दो महीने के बाद जब भी मैंने देखी होगी, तो फिर मैंने बोला अबे ये तो वहीं से कंटिन्यू हो रही है जहां से पिछली कॉमिक बंद हुई थी. तो और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा. फिर धीरे धीरे फिर जब तक मतलब मुझे लगता है जब तक मैं कलकत्ता में था, जब तक ट्रांसफर नहीं हुआ था गुजरात में जहां पे कोई कॉमिक्स नहीं पढ़ता, वहां तक मैंने राका की तबाही तक मैंने पढ़ा था. उसके बाद फिर मौका नहीं मिला. फिर उसके बाद यही पॉडकास्ट करने से पहले जब मैं पढ़ना शुरू किया
तो भी मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि यार कितना क्या चल रहा होगा प्राण जी के दिमाग में कि उन्होंने मतलब कि राका का कैरेक्टर दिखाने के लिए कि इतना खूंखार कैरेक्टर है और उससे हम लोग कन्विंस हो जाए रीडर्स, उसने बच्चे तक को नहीं छोड़ा नहीं। मतलब एक बच्चा आ रहा है और एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था कि बोतल में से राका निकल रहा है ठीक है और वो बच्चे ने निकाला, मैं बोला अब तो ये भी गया मतलब इज डन, लेकिन वो बच जाता है। बट एनीवेज वो कभी कहीं कहीं मतलब एक छोटी बच्ची आ जाती है उसको काट देता है, मतलब काटम काट लेकिन राका ऐसा नहीं बोलता है, जो उसको बचाता है उसको छोड़ देता है, उसको छोड़ देता है। उसी पे मैं बोलने वाला था कि हाँ उसका भी एक प्लस पॉइंट है, चाहे कितना भी नेगेटिव हो लेकिन कोई भी उसे अगर ट्रैप से बचाता है ना तो उसको यही डायलॉग बोल के ही छोड़ देता है कि एहसान मान कि मैं तूने मुझे बचाया और जा ले जी ले अपनी जिंदगी। वो डिपेंड करता है मूड के हिसाब से, जैसे मूड पे डिपेंड करता है वो, जब वो समुद्र से निकलता है तो शिप को फेंक देता है लोगों को राइट, वो तो निकला उनके सर पे आगे बोल जाओ मेरे कर रहे थे। अमित भाई आपका? हाँ मेरी तो कुछ खास मेमोरी है नहीं क्योंकि मतलब बचपन में जब मैं छोटा था, सभी छोटे होते खैर, और कॉमिक्स पढ़ता था और लोग तो कहते हैं कि कॉमिक्स बच्चों की चीज होती है राइट, बट जो खुद बच्चे होते हैं उन्हें लगता है मैं तो भाई बहुत बड़ा हूँ और कॉमिक्स मतलब बच्चों की चीज है भले ही, बट मैं उसमें भी बचपन में चाचा चौधरी को बच्चों की कॉमिक्स मानता था एक्चुअली, और मुझे लगता था यार नागराज ध्रुव पढ़ूंगा मैं तो थोड़ा ऐसा मैच्योर टाइप का बच्चा हूँ और चाचा चौधरी में दे दूंगा अपनी दीदी वगैरह को पढ़ने के लिए, वो पढ़ लेंगी। और एक और चीज मुझे ऐसा लगती है क्योंकि मैंने चाचा चौधरी पढ़ा था थोड़ा, तो उसमें वही जैसे आप लोग बोल रहे दो तीन पैनल में खत्म होती थी एक स्टोरी ज्यादा से ज्यादा, या फिर चार पांच पेज में खत्म हो जाएगी राइट, बट जैसे मैंने बोला था ना सामान्य ज्ञान की बुक मिलती थी बस स्टेशन पे, वैसे खसगुल्ले और बूझो तो जाने टाइप्स के भी कुछ मिलते थे, और उसमें ना जो आपको छोटे छोटे जोक्स या फिर पहेलियां मिलेंगी ना, सेम पहेलियां जो सिंपल पहेलियां वो चाचा चौधरी सुलझाते थे अपनी कॉमिक्स में, तो मुझे लगता था यार ये कंप्यूटर से तेज तो है दिमाग बट ये मैंने कहीं और भी पढ़ा है, और सेम कंसेप्ट आपको लाइक बीरबल की कहानियों में या फिर तेनाली रमन की कहानियों में बाकी जगह भी मिल जाएंगे राइट, तो मुझे लगता था यार ये तो मतलब बच्चों की चीज है एक्चुअली। आप प्रोडिजी थे मतलब, आप चाइल्ड प्रोडिजी थे, आप उस समय प्रोडिजी नहीं बट वो मतलब क्या बोलते हैं ऐसा लगता था मुझे मतलब कि भाई ये बच्चों की चीज है, बट मैंने बहुत एंजॉय किया, अभी जब मैंने पॉडकास्ट से पहले पढ़ी कॉमिक्स मैंने बहुत एंजॉय किया, मैं हंसा भी और मुझे ऐसा लगा मिस कर दी मैंने ये चीजें मतलब बचपन में। और राका मैंने मतलब एक दो बुक पढ़ी होंगी जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि क्या पढ़ा था मैंने, बस मुझे इतना याद है कि वो ट्रक के ऊपर बैठ के साबू आएगा, राका से लड़ेगा, उसको हरा देगा, क्योंकि वो मतलब फिजिकल फाइट टाइप ही याद है मुझे कि इतना कुछ था। अभी मैं जब पढ़ रहा था तो देख रहा था कितने नुआंसेस डाले हैं प्रांड सर ने, छोटी छोटी चीजें कि यूएन वूएन की जानकारी देने की कोशिश की बच्चों को, भाई यूएन में जाएगा ये सब हो जाएगा ऐसा, क्रिकेट मैच से रिलेटेड कुछ डाला है ऐसे, मतलब उस टाइम पे चला जाता है तो वो सब चीजें डाली है उन्होंने, तो काफी अच्छे से बुना है, और वो गोर वगैरह वाला पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे हम आगे, बट यही है मेरी कोल्ड वॉर भी डाला है, कोल्ड वॉर को भी डाला है एग्जैक्टली, जब यूएस चला जाता तो रशिया का एजेंट, रशिया चला जाता तो यूएस का एजेंट, तो काफी अच्छे से उन्होंने बुनी है राका की स्टोरीज, और मतलब मैंने मिस कर दी बच्चों ने, बट थैंक्स टू यू गाइस अभी पॉडकास्ट के लिए मुझे पढ़नी पड़ी और मैंने बहुत एंजॉय किया, मैं 500-600 पेजेस पढ़ दिए, मतलब थोड़ी बाकी है वो 200-300 लाइक 16 में से है 10 पढ़ी ली होंगी मैंने, तो पैटर्न तो समझ में आ गया उसका, और इट बहुत बहुत फनी है, मतलब मैंने 2-3 मीम्स भी डाले हैं वो चाहे तो मैं आपको दे दूंगा इधर लगा देना, तो या दिस वाज माय नॉट सो मेमोरेबल मेमोरी ऑफ राका। नहीं ये भी एक मेमोरी हुई, मेमोरी है राइट, या मतलब आपने कानून का बाप से शुरू करे जिसने अपने कॉमिक्स की जर्नी उसने राका पढ़ा है, तो यू आर ऑलवेज अहेड ऑफ योर एज, तभी आज हमारे बीच बैठे हो, अपनी एज ग्रुप में नहीं हो, यू आर सीट इन द टेबल राइट। बताइए कैसे शुरू करें आगे मिलन भाई, सब एसएमई को भेजो आगे वैसे मिलन यार तुम्हारा मतलब आज राका का पॉडकास्ट सुना था तुम्हें पता था इसलिए वुल्वरीन स्टाइल में आए हो तुम,
राका शेव नहीं करता है, राका शेव नहीं करता है, शेव नहीं करता यार, उसका सिर्फ जलता है या फिर ये जल्दी जल्दी में रह गया ऐसा तो नहीं ना, नहीं हमने जल्दी जल्दी ओके कॉमिक्स जितने भी थे ना उस टाइम पे मुझे याद है, जैसे मैंने कहा ना कि इंग्लिश में मैंने सारी चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ी है, कभी एक एक भी हिंदी नहीं था मेरे पास, तो चाचा चौधरी राका, राकास रिटर्न, राकास वेंजेंस और राकास चैलेंज, एनकाउंटर विद राका, बहुत ऐसे थे मुझे जहां तक याद है मेरे पास 5-6 थी उस टाइम तक, जब मैंने कहा कि आप लोगों को तो पता ही है कि पूरा डायमंड का कलेक्शन ही मैंने बेच दिया था पैसों के लिए और उस पैसे से राजकॉमिक्स खरीदने के लिए, वो मेरी भी एडमिन बिल थे मतलब कि डायमंड के ऊपर राजकॉमिक्स को प्रेफरेंस देने वाले नहीं था। मैंने कहा भी था राइट, मैंने अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर की थी कि पहला कॉमिक्स जो मैंने देखा था एक दूसरे बच्चे के हाथ में, दैट वाज नागराज एंड सुपर कमांडर ध्रुव, तो वो पहला कॉमिक्स मैंने देखा था किसी दूसरे को पढ़ते हुए देखा तुमने। हाँ और उसके बाद मैंने देखा कि ऐसे आर्ट कैसे किया जा सकता है किसी पेज में, इतना रियलिस्टिक आर्ट, और ये जहां तक मुझे कॉमिक्स का पता था वो था सिर्फ चाचा चौधरी, आकाश अमर, फ्लाइंग कार, चाचा चौधरी बिल्लू एंड पिंकी, मैग्नेट स्टिकर भी मिले थे उसमें एक दो आज तक वो फ्रिज में लगा हुआ है, तो दैट वाज ऑल कॉमिक्स फॉर मी, लेकिन मुझे मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो राज कॉमिक्स में खरीदूं कि ना करूं, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट कमिंग बैक टू डायमंड, तो जहां मतलब कितने तीन साल तक मैंने डायमंड कॉमिक्स खरीदा था, ये मेरे अंकल जो हैं उन्होंने पहला कॉमिक्स खरीद के मुझे दिया था, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट, और वहीं से 3 साल। और ये भी बताओ ना, वो तुम्हारे मैटरनल अंकल नहीं, पैटरनल अंकल थे, चाचा। और तो वो 3 साल में लगभग 30-40 कॉमिक्स हो गई थी मेरे पास, और उस टाइम में मुझे लगता है कि चाचा चौधरी के जितने भी रिसेंट एडिशन थे सब थे मेरे पास उस टाइम तक, तो मैं सब कुछ पढ़ चुका था, मेरे पास ऑलमोस्ट एक छोटे से ट्रंक में स्कूल जो लेके जाते हैं ना बॉक्स, आजकल तो शायद देखने को नहीं मिलता है लेकिन मेरे पास है आज भी वो एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें भर गई थी, तो ये जो जितने भी कॉमिक्स मैंने पढ़ा है उस टाइम पे मैंने सारी बेच दी, लेकिन मैंने राका की कॉमिक्स रखी थी मेरे पास, वो आज भी है, और जो चाचा चौधरी डाइजेस्ट भी शायद शुरू हो गया था 2-3 साल में, जहाँ पे वो ऑलमोस्ट लाइक 20-30 कॉमिक्स को जम्बल करके बेचते थे लाइक ओमनीवर्स राइट, तो वो भी एक दो थी मेरे पास, लेकिन राका की कॉमिक्स मैंने इसलिए रखी क्योंकि मुझे वो रियलिस्टिक लगा, ना कि वो मतलब कार्टून होते हुए भी वो कार्टून नहीं था राइट, तो इसलिए मैंने वो रखा है, राका कॉमिक्स आज तक भी है मेरे पास। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे मैं भूल गया। आपको कैसी लगी मतलब ओवरऑल स्टोरी का, आपको क्या पैटर्न लगा और मतलब पहले के 8 कॉमिक्स देखो ना जो मेरे पास थी अवेलेबल, हर कॉमिक्स में शायद पैटर्न सेम लगे कि राका के साथ एनकाउंटर हो गया और राका को ट्रैप करना है और किसी गुरुजी के पास जाना है, बट एवरी टाइम दे वेंट टू ए न्यू गुरु दे केम अप विद ए न्यू सॉल्यूशन, तो हर प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन होता है, मतलब डिफरेंट सोल्यूशन होते हैं और आपको चूज करना है कि जो उस टाइम पे अवेलेबल हो उस सोल्यूशन को आप यूज करो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वही किया भी उन्होंने। तो पहले के 5-6 कॉमिक्स आपको डिफरेंट लगेंगी, ऐसा नहीं कि रेपिटेटिव है, लेकिन अभी जो मैंने पढ़ा राइट उसमें मुझे पैटर्न थोड़ा रेपिट लगा कि मतलब जो सोल्यूशन दिया गया था ना पहले के 3-4 कॉमिक्स में वो भी रिपीट होने लगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वही जो भवन में छोड़ देना, पानी के भवन में फेंक देना, स्पेस में भेजना, हाँ तो वो मुझे थोड़ा लगा कि पहले इतने मतलब सही से शुरू किए थे, क्योंकि इनका एक आर्टिकल भी कहीं पे मैंने पढ़ा है, मुझे नाम याद नहीं है, किसी एक ब्लॉगर ने शायद प्राण जी के साथ इंटरव्यू किया होगा, तो प्राण जी ने कहा कि मतलब उनका ये विजन ही था कि जितना हल्का फुल्का और फनी वे पे वो चाची चौधरी की कॉमिक्स ला रहे हैं राइट, उनको मतलब कुछ हटके करना था, और हटके इन द सेंस क्योंकि एक कॉमिक्स थी चाचा चौधरी एंड
साबू इन जुपिटर या जुपिटर साबूस फैमिली ऐसा कुछ था जहां पे उन्होंने दिखाया था, जायंट्स लोगों को दिखाए थे उस कॉमिक्स में, और वो कॉमिक्स में मतलब वो स्टोरी थोड़ी खींच गई थी, ऐसा नहीं कि मतलब चार पांच पेज पे खत्म हो गई थी, तो वहीं से शायद उनको अच्छे रिव्यू या अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे कि ऐसे ही थोड़ा मतलब कहानी आगे बढ़ाते हैं. एंड आई थिंक दैट इज हाउ ही केम अप विद रखा कि थोड़े ह्यूमरस और फनी सीक्वेंस से डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि मतलब क्योंकि साबू उस टाइम पे सोचो कि ही इज लाइक सुपरमैन, उसका मतलब कोई मुकाबला नहीं, लेकिन उसके अगेंस्ट पे ऐसे कुछ कोई आए जो साबू को भी मार गिराए, तो दैट्स हाउ ही केम अप विद साबू. सॉरी, मैं वही बोलने वाला था कि सुपरमैन एंड राका वाज लाइक अ डूम्सडे, राइट? डूम्सडे भी मारना इज इम्पॉसिबल, और फर्स्ट टाइम जैसे मारा दोबारा नहीं मार सकते, भले ही इसमें उन्होंने रिपीट किया, बट सेम ही है कि वो जैसे तैसे उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? और स्टोरी मुझे ऐसा लगा कि प्राण सर ने ना काफी मतलब बच्चों के लिए है वो, बट काफी ब्रूटल और डार्क ह्यूमर भी है उसमें कहीं कहीं पे, अगर आप देखोगे ना बहुत ज्यादा डार्क ह्यूमर है, मतलब एक इस ब्लॉग पे एक्चुअली भी और कहीं कहीं लैंग्वेज भी काफी डार्क है, लैंग्वेज भी थोड़ी सी बच्चों के हिसाब से डार्क है, 9-10 साल के बच्चों के ऊपर है, जहाँ पे वो ये तो वो लेडी विलन जहाँ पे आ जाती है जिसके सांप है, जब वहाँ पे लैंग्वेज कुछ है क्रियाचर्य तो ये औरत अपने पे आ जाती है, तो थिंग्स लाइक दैट. हाँ, मैं वही कह रहा था कि वो उसी ब्लॉग में थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन जानने को मिला जो कि मुझे पहले पता नहीं था कि साबू का नाम भी मतलब साबू हॉलीवुड के एक्टर मतलब इंडियन ओरिजिन के एक्टर हैं उनके नाम पे रखा गया था, और साबू का लुक भी प्रिंस ऑफ बगदाद या ऐसा कुछ एक मूवी था जिसमें जीनी आता है, राइट? थीप्स ऑफ बगदाद. हाँ, तो उसमें वो जो जीनी आता है ना, जीनी को देख के ही उन्होंने साबू का जो एनाटॉमी या स्ट्रक्चर जो भी बोलो वो उन्होंने सोचा था, एंड दैट्स हाउ वी केम अप विद द आइडिया ऑफ चाचा चौधरी साबू उस टाइम पे. बट राका इज समथिंग लाइक व्हिच केम वेरी लेट, जब ऑलरेडी चाचा चौधरी और साबू फेमस हो चुके थे, एक पूरा एक समा बन चुका था, लोग जान चुके थे बैकग्राउंड और ये सब, एंड दैट्स हाउ ही ब्रोक दैट इमेज ऑफ चाचा चौधरी एंड साबू. यही था उनका एक्चुअली. मुझे ये भी लगता है ना कि वो एक दूसरा साइड भी एज अ क्रिएटर अपना दिखाना चाहते होंगे, क्योंकि तब तक क्या महाबली शेरा और ऐसे सब एक्शन स्ट्रिप्स भी आने लग गई थी, तो उनको ये भी लग रहा होगा कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ अपने एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स के साथ, तो शायद उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, राइट? श्रीमती जी, वो बिल्लू, पिंकी, रमन, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, बट ये सारे कॉमिक मतलब कॉमेडी कैरेक्टर्स थे, कोई सीरियस कैरेक्टर नहीं था, इसलिए जब मैंने पर पता है हेमेंद्र भाई के कुछ पोस्ट से ऐसा भी था कि प्राण जी अपने कैरेक्टर्स को सेग्रीगेट करते थे, जैसे चाचा भतीजा और ये वाली जो स्टोरीज आप देखोगे उसमें किलिंग्स होती थी, ठीक है, उसमें या दाबू करके एक था तो उसमें थोड़ी डार्क स्टोरीज होती थी, बट आई थिंक दे वर नॉट That famous as with respect to what Chacha Chaudhary is, right? कि मतलब उस समय के कोई भी बच्चे के लिए एक पेरेंट्स अगर उठाएंगे तो चाचा चौधरी साउ पिंकी नो ब्रेनर, जैसे अंशुल भाई ने कहा था, राइट? बिकॉज ऑफ दैट फ्लेवर दैट इज एंटिसिपेटेड. सो वही जो ब्रेकिंग द मोल्ड है, राइट? कि इट वॉजेंट, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्राण जी के लिए लेकिन बिल्कुल ही नया सब कुछ था, बट मतलब आप सोचो ना कि आपका एक सक्सेसफुल वेंचर चल रहा है, राइट? हाउ मच यू आर गोइंग टू मेक एन एक्सपेरिमेंट ऑन. डायमंड के हर रिलीज में आता था, तो एक वो फिक्स पैटर्न था, तो मेरे ख्याल से उनको वो पूरा वो ब्रेक ही करना था. मी ही वांटेड क्रिएटिव. नहीं नहीं, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, तो मैंने ना चित्रकथा में वो पोस्ट देखा था आलोक भाई का, उसमें ना उन्होंने चाचा चौधरी राका का इनर पेज शेयर किया था, उसमें लिखा गया है कि डायमंड की राका से पहले की सारी बुक्स ना स्ट्रिप्स को अटैच करके पब्लिश कर रहे थे. राका वाज फर्स्ट न्यू स्टोरी फॉर देम, राइट? और जो सबसे मस्त मुझे क्या लगा ना कि उन्होंने जो इनर पेज शेयर करा है वो फटा हुआ है और उसमें उन्होंने टेप लगा के रखा हुआ है, राइट? लाइक मतलब तब से सहेज के रखा हुआ है. तो एडमिन, आपके पास अगर राका अच्छे हालत में है तो अगर उसका वो पेज होगा तो कभी देना.
that is like really very new information for me when I looked into that. Because Pran sir ki biography was always there. मतलब जो मुझे जहाँ तक हमेशा याद है half page में है, but वो राका पे that was like ki really new ki strips को ही तब तक compile कर रहे थे, but then a new story originated from this particular like title. So yep. Back so big shout out to Hemendra bhai and Alok bhai and I think already सब लोग जानते होंगे, बट चित्रकथा ग्रुप में उनके काफी नॉस्टैल्जिक पोस्ट आते रहते हैं. मिलन भाई भी काफी कुछ लिखते हैं उधर, तो मिलन भाई को भाई नहीं, इतना कुछ नहीं लिखता मैं. नहीं मतलब जो बिल्कुल ही कॉमिक्स बहुत बाद में ही ज्वाइन किए थे, मुझे बाद में पता चला था, राइट. बट जो भी कॉमिक्स के चाहने वाले हैं और बहुत, लेकिन उस ग्रुप में मैंने देखा है बहुत सारे नॉस्टैल्जिक पोस्ट आते रहते हैं, मतलब अभी के नहीं, मतलब पूरे 80s में मुझे याद है वो ताऊजी पे भी एक पोस्ट था मैंने देखा था, और ये सब कैरेक्टर्स उस टाइम पे पता थे. डायमंड में जो आड आती थी ना लास्ट में, वो सब कैरेक्टर्स थोड़े बहुत तो पता ही थे, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते थे यार सारे कैरेक्टर्स सब. तो जो एक दो कैरेक्टर्स अच्छी लग जाती थी उसी का, मतलब कोई एक जो पसंद आए उसी के ही सारे पढ़े, ऐसा नहीं कि मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. लेकिन मैं डिसएग्री करूंगा, डायमंड वाज अफोर्डेबल. जैसे मैं तो खरीद के नहीं पढ़ता था, मेरा तो हमेशा था कि वो रेंट पे 50 पैसे और 25 पैसे के हिसाब से, उतने में 5 रुपए की किताब खरीदो उतने में उससे ज्यादा पढ़ लो. माई लॉजिक वॉज ऑलवेज दैट. तो डायमंड वॉज ऑलवेज 25 पैसे एंड राज कॉमिक्स वॉज 50 पैसे, और वो विशेषांक आ गया तो 75 पैसे 1 रुपए. तो वो होता था ना 5 रुपए लेके जाओ तो छुट्टा कभी वापस मिलता नहीं था, वो बोलता था कि उसके उतने डायमंड उठाते ले जाओ. तो डायमंड कोई ना कोई तो मेरे साथ चली आती थी. पर अंचल भाई ये भी मैटर करता है ना कि आप रहे यूपी साइड में, राइट. जैसे मिलन भाई भुवनेश्वर पूरी साइड में, राइट. हमारी अवेलेबिलिटी एंड हाउ मच यू कैन गेट, राइट. मतलब इट वाजंट लाइक कि हर जगह लाइब्रेरीज का भी ऐसा ये नहीं था. नहीं लाइब्रेरीज नहीं थे, रेंट पे भी पढ़ने का कॉन्सेप्ट नहीं था. 50 पैसे भी इतना आसान नहीं था, राइट, कि आपने 50 पैसे कहाँ खर्च कर दिए, घर वाले पूछेंगे, ठीक है, आपको प्रूफ क्या दिखाओगे कि हाँ कॉमिक्स पढ़ के वापस आ गए. जो कॉन्सेप्ट है ना, नहीं वो गर्मी की छुट्टी में मालूम होता था घर में कि वो 1 रुपए मांग रहा है, तो वो एक कॉमिक्स, क्योंकि वो कॉमिक्स वाले भैया आजू बाजू वाले होते थे, तो उतना ही तो वही सब बच्चे वही बैठे होते थे दोपहर में. नहीं नहीं मैं ये कॉन्सेप्ट ना शायद ओडिशा पहुंच नहीं पाया था यार, कि आप रेंट पे दे रहे हो कॉमिक्स पढ़ने के लिए 25-50 पैसे में, वो कॉन्सेप्ट नहीं था. लेकिन बहुत बाद में मैंने ये देखा है कि जब राज कॉमिक्स खरीदने लगा था मैं, ऑलमोस्ट 97-98 की बात है, तब नहीं उससे पहले शायद रिलीज हो गई थी जो खून चोर और जाली नोट फाइटर टोट्स, और ये ना 20 रुपए की इतनी लंबी किताब थी, राइट. और मतलब कोई खरीदना नहीं चाहता था. आई एम नॉट श्योर व्हाट मे बी द रीजन, शायद रखने का प्रॉब्लम हो या आप कॉमिक छुपा के भी नहीं ले सकते, राइट. तो शायद इसीलिए दुकानदार ने ये कॉन्सेप्ट सोचा होगा कि वो लंबी वाली कॉमिक्स आप रेंट में पढ़ो, और वो 1 रुपए या 50 पैसे कुछ ऐसा. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि ये कॉन्सेप्ट भी ऐसा है कि आप रेंट पे लेके कॉमिक्स पढ़ सकते हो. पर उसके बाद कभी नहीं देखा मैंने, बस वो ये किताब थी. लेकिन वही हो जाता है ना कि रेंट पे पढ़ने में आप जैसा कलेक्टर मिलन भाई, आपका वो कलेक्टर वाला दिमाग, मतलब यार मेरे पास है नहीं, मतलब मैं जब चाहूं खोल करके उसको देख सकूं, तो पढ़ सकूं दोबारा दोबारा. वो मेरे साथ भी स्टोरी का जो आप लोगों ने जैसे एनालिसिस किया ना कि बहुत सिंपल पैटर्न होता था और प्राण जी ने क्यों लिखा होगा ऐसा सब, मुझे जो मैंने नोटिस किया एक चीज की चाचा चौधरी एंड राका ये कॉमिक्स का नाम है, बट इट्स ऑल अबाउट राका. मतलब जो जितनी भी कॉमिक्स आई है ना, वो वैसे होता है जनरली कि विलेन की स्टोरी रहती है, बट अगर इसमें आप कॉमिक्स सारे पढ़ोगे तो देखोगे स्टार्टिंग होती है राका के छूटने से, वो तबाही मचाता है, पता नहीं बहुत सारे जोक्स मारता है, डैंक जोक्स मारता है, लोगों को मारता है, पुलिस वालों को मारता है. उसके बाद फिर एक दो फ्रेम में चाचा चौधरी आएंगे, ठीक है, उसको कहीं टेम्पररी बंद करेंगे और फिर परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने जाएंगे. तो आप एक तरीके से देखो अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से, तो राका एक्चुअली हीरो है स्टोरी का, और ये चाचा चौधरी साबू उसके लिए विलन है बेसिकली, कि वो उसको हराएंगे बट वो फिर से वापस आएगा. और स्क्रीन टाइम भी मतलब इतना मैंने किसी और विलन का स्क्रीन टाइम देखा, अगर सुपरमैन के सोचना स्क्रीन टाइम नहीं रहता है, सुपरमैन का ज्यादा स्क्रीन टाइम रहता है. इसमें चाचा चौधरी साबू का स्क्रीन टाइम देखोगे बहुत कम है, मतलब 2-3 पेजेस, फिर जो फाइट होती है उसमें, बट उससे पहले जो 10-15 पेजेस या कुछ जो भी है मेन स्टोरी,
राका का ही है, तो मतलब एक ऐसा मतलब बाकी कॉमिक्स में भी उस टाइम पे नहीं हो रहा था मेरे ख्याल से, जो ये यूनिक लगा मुझे इसमें। उसका भी रीजन भी था, अगर तुम पुरानी कॉमिक्स देखो चाचा चौधरी के, जैसे सबने मेंशन किया राइट, वो चाचा चौधरी की कॉमिक्स छोटी होती थी, उसमें एक चाचा चौधरी का गैग होता था, सॉल्यूशन के लिए आता था, वो अपना दिमाग लगाते थे एंड सबों की हेल्प से सॉल्व कर देते थे। तो राका में भी वो सेम उतना ही रखा है चाचा चौधरी का पार्ट, इज दैट कि वो राका का बिल्डअप उन्होंने बढ़ा दिया है। पर एक चीज मैं कहूंगा ना, अगर हम रेट्रोस्पेक्ट करें, प्राण जी ने क्या करा है कि राका का सॉल्यूशन है पंचभूत, पहले एक नभ, फिर कहीं पे जल, कहीं पे धरा, और अगर वोल्केनो में डाल दो तो अग्नि, और फिर भवंडर मतलब हवा, राइट? कमाल है ये एंगल्स, मैंने देखे नहीं। उन्होंने देखा है ना, मतलब हम लोग मजाक करना, रोस्ट करना राका को बहुत आसान है, बट द जीनियस ऑफ प्राण जी दैट इज एविडेंट when he was writing those, right? He has put lot of thoughts. Like, पहले जो जब तक तबाही तक, right? जो राका के जो first मतलब initial जो issues हैं, I think they were master strokes of मतलब प्राणजी's genius. और उस हिसाब से आप recent वाले जो देखोगे ना, brain भी नहीं लगाया है, nothing, right? Like they could not, वो तुम नहीं कर पाए। प्रशांत जी, जो last वाले जो issues बोल रहे हो ना, वो मतलब exactly कितने मतलब कौन सी issue से वो बना है? वो जब से ताना, जब से वो dictator बनना चाहता है, right? हाँ। अगर मैं कहूँगा वो राका का क्रो, मतलब नहीं राका क्रो नहीं, I think challenge वगैरह से खेल के बाद मुझे अच्छा। बोर होने लगा मुझे कि मतलब ये, मुझे ऐसा लगता है आप इसलिए भी बोर हो गए क्योंकि आपने बैक टू बैक पढ़ी है स्टोरीज, बट आप देखोगे हर बार कुछ नया एलिमेंट, देखो अब ये हो गया है कि पैटर्न आपको पता लग गया राइट, कि राका जाएगा मतलब उसको कहीं ना कहीं भेजेंगे, तो ये मैटर नहीं करता कहाँ भेजेंगे, बस वो स्टोरी एंड करनी है तो कहीं भी भेज सकते हैं, बट उससे पहले अगर आप देखोगे न्यू एलिमेंट, राका गैंग बन गया है, जैसे जोकर गैंग के लोग होते थे ना, वैसे ही राका गैंग बन चुका है, वो लूट रहे हैं, उसको आइडियलाइज कर रहे हैं, भाई राका हमारा किंग है, कल्ट फॉलोइंग हो गई उसकी राइट, हाँ कल्ट फॉलोइंग हो गई टाइप, तो ये बहुत डिफरेंट शेड्स देखने को मिले हैं राइट। लेकिन एक और चीज है, राका को उन्होंने काफी चेंज भी किया, जैसे शुरुआत की कॉमिक्स में कॉस्ट्यूम के अलावा उसका उसकी पावर, मतलब पावर ये तो एक ही है कि वो मर नहीं सकता, लेकिन जैसे स्टार्टिंग के कॉमिक्स पे वो यूएस जाता है, रशिया जाता है, पाकिस्तान मिसाइल फेंकते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं होता है, बाद की कॉमिक्स में देखो मिसाइल फेंकते हैं उसके टुकड़े हो जाते हैं, छूट जाता है, मतलब पावर ही चेंज हो जाती है, हाँ मतलब वो वापस से रीअसेंबल होने लगता है पूरा, वो शायद सिक्स कॉमिक्स से हुआ था, मैंने नोट करके रखा था ये कि इसमें बात करेंगे, वो शायद हाँ हाँ वो बढ़िया है, मतलब क्योंकि उसमें शायद वो राका का चैलेंज है या किसमें है कि जिसमें उसको स्पेस में फेंक देते हैं और चैलेंज में है ना, हाँ तो फिर कपल आता है सेम, मतलब जो भी उसका रेस्क्यूअर है या तो बचेगा या तो खत्म होएगा, और हाँ लेकिन ये बात सही कहा आपने कि पहले एक टेम्पररी सोल्यूशन निकालते हैं फिर उसके बाद एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ ढूंढते हैं, और इसी में हम लोगों को प्राण जी ने कितने आचार्यों से और फिर उसके बाद धीरे धीरे कितने, मतलब उन्होंने भी एक यूनिवर्स बनाने की कोशिश करी है कि एक साइड में यूनिवर्स ऑफ सेजेस और एक साइड में द यूनिवर्स ऑफ राक्षस जो कि अभी राका की फैमिली के भी हैं कुछ। एक और चीज उन्होंने दिखाई कि जो हम प्रगति कर रहे हैं ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज एक्चुअली मतलब फ्रीइंग राका, चाचा जी जाते हैं जंगल में, जाते हैं बार बार, हाँ जंगल में जाते हैं, तुम यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहे हो और तुम वापस मतलब अपने ऊपर ही ला रहे हो, राइट अपने ऊपर ही ला रहे हो, करेक्ट, एक में वो पेड़ में डाल देता है और वो फिर लोग आते हैं पेड़ काट देते हैं तो निकल जाता है, दूसरा होता है जमीन में गाड़ता है तो वो मिलिट्री की टेस्टिंग हो रही होती है तो उसमें इकट्ठा हो जाता है, निकल जाता है पत्थर का टेंशन टेंडर मिल गया है गवर्नमेंट का, आधे से ज्यादा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उसको छुड़ा रहे थे बेसिकली, गवर्नमेंट के ऊपर शायद कमेंट्री कर रहे थे वो, कैरेक्टर का तो मैंने तो दो तीन नाम रखे हैं, लाइक चक्रमाचार्य रहता है पहला, तो चक्रमाचार्य दवाई बनाता है और जहर का लेबल लगा देता है, मुझे इतनी हंसी आई ना कि आप जहर लिख लो तो कोई नहीं पिएगा, हाँ और वो मतलब तुमने इतना बड़ा इन्वेंशन किया उसके ऊपर तुमने जहर लिख दिया, कोई किसी को मारने के लिए भी यूज कर सकता है ना अपने दुश्मन को, तो वो तो गलत ही लॉजिक हो जाएगा। अरे मेरे को एक बचपन का जोक याद आ गया, किसी कार्टून में पढ़ा था, देखा था, वो चीनी पे नमक लिख देते चीटी खाएगी नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। और उसके बाद चक्रमाचार्य का, और वो भी फनी था कि चक्रमाचार्य ऑलरेडी 300 साल का है और उसका गुरु
वज्राचार्य क्या था उसका नाम, वज्रदेव वज्रदेव, हजार साल की उम्र होती है उनकी, हजार के बाद उन्होंने गिनना बंद कर दिया था। और सडनली उन्होंने प्राण सर ने बोला है कि अरे जैसे हम आजकल लोग बोलते हैं ना, अरे हमारे वेदों पुराणों में तो ये लिखा, उस टाइप का ज्ञान फैल रहे थे उधर। वो तो राका की पहली, राका की पहली किताब से ही उस तरीके का ज्ञान देना शुरू कर दिया कि हमारे टाइम में जैसे महाभारत रामायण में अग्नि बाण होते थे जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बन गए, वो पहली पेज से ही शुरू हो गया है, जिसमें साबू, अब साबू के लिए सब नया है, वो तो जुपिटर से आया है, उसको क्या मालूम। तो फ्री टाइम है दोनों के पास अभी। नहीं नहीं पर उसका ना बहुत सही स्टोरी बना है, राइट, कि वो स्टोरी सारे से लेके, राइट, कि क्योंकि नॉर्मली सेकंड थर्ड बाकी किताबों में पहले एक छोटा इवेंट होता है गैग जो सॉल्व किया जाता है, राका वापस आता है, राइट, बट यहाँ पर ना ज्ञान से ही शुरू हुआ है ताकि ज्ञान से शुरू हुआ है। इस पे ना मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि चंडकाल और राका में क्या कॉमन है? मैंने, मेरे को नहीं पता, चंडकाल और राका में दोनों ने नताशा पे अटैक कर रहा है, जो वाराणसी में जो हीरोइन है ना वो नताशा है। अच्छा अच्छा राका की डाकूपंथी में ना भी उन्होंने डाला है कि बैंक रॉबरी करना है, लड़कियों को उठाना है उसको, राइट, जो भी उसे पसंद आती है, और फिर हत्याएं करनी है, राइट, ये डाकू के थ्री ट्रेड्स उन्होंने डिफाइन करे हैं और वो कंटिन्यूसली चलता रहा है कि मतलब एवरी टू थ्री बुक्स में कहीं ना कहीं वो एक लड़की को किडनैप तो करेगा ही, राइट, इट वॉज देयर एंड आई थिंक। नहीं मतलब किडनैप, बोलो फिनिश कर लो। उसके जो वेपन्स मिलते थे ना उसके साइज के, दैट वाज ऑलवेज इंट्रिगिंग टू मी कि उसको कुल्हाड़ी मिल जाती थी इतनी लंबी। एब्सोल्युटली पे आएंगे कितना, मतलब कुछ जो एब्सर्ड था अभी पढ़ने पे जो लगता है ना उस टाइम पे, मतलब शायद गौर भी नहीं किए होंगे कि कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है, ये तो फतेहाल में था, येलो कलर का टी शर्ट कैसे मिल गया, मेरे को भी ऐसा टी शर्ट चाहिए। कॉस्ट्यूम से ही, मतलब कुछ चीजें जब मैं पढ़ रहा था ना वापस, तो मैंने कुछ चीजों को मैंने कहा कि यार चलो इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाए, जैसे कि कोई वीजा की जरूरत नहीं है उस समय, ठीक है, वीजा नहीं चाहिए होता है, कोई पुलिस नहीं, कोई आर्मी नहीं, मतलब एकदम एंड पर ही आते थे। अच्छा, उसने अर्घ पिया, उसकी साइज तो बड़ी हुई, उसके साथ साथ उसके कपड़ों की भी साइज बड़ी हो गई साथ ही साथ, मतलब हल्की जैसा नहीं कि उसके कपड़े फट गए या चड्डी फट गई, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। वो बच्चों के लिए कॉमिक्स थी, उसमें कपड़े नहीं फटे बच्चों के लिए, फिर बट मतलब इतना तो, हाँ इतना तो, हाँ बोलो। दूसरी फनी पैनल याद आया मुझे कि एक जगह उसको आग लग जाती है और नंगा पूरा नंगा हो जाता है, साबू की सस्ती कॉपी लग रहा था उसमें वो। हाँ तो इतना तो मैंने कहा था कि यार चलो ठीक है, इन बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाए, ठीक है ये सब ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि जब भी वो कुछ आतंक करने आता था ना, जैसे कि वो शादी में चला गया खाने के लिए कि मेरे को बहुत भूख लगी, और किसी ने, शादी वाले ने बोला कि अबे ये तुम तो बिन बुलाए मेहमान हो टाइप्स, तुम निकलो यहाँ से करके, तुमको पता नहीं है क्या, तुम न्यूज व्यूज कुछ सुन नहीं रहे हो क्या कि ये आदमी ने ऑलरेडी 5 कॉमिक में इतनी किलिंग कर रखी है, तो मालूम होना चाहिए कि ये कौन है, उससे सवाल लड़ाने से बेटर है तुम्हें भाग जाना चाहिए उल्टे पाओ। ये चीज मुझे थोड़ी सी खटकी कि इतना सब आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, इट्स लाइक वाचिंग पॉपाई और समथिंग, यू डोंट हैव टू अप्लाई दैट मच ऑफ वो, राइट, हां राइट राइट, मजे के लिए बच्चों में वो 9-10 साल में सोचते नहीं हो तुम इतना, हाँ मजे के लिए, क्योंकि आपने अंडर आर्म बॉलिंग डाली और छक्का मारा किसी ने, तो मतलब वही फ्रांस जी ने ना अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दिया है कि मॉस्को से राको को बाहर भेजा है और यूएस से वापस आया है वो, राइट, कि मतलब रशिया के साथ, इंडिया के साथ बेटर रिलेशंस रहे हैं उस समय, यूएसएसआर वाज यूएसएसआर उस समय, हर चीज में आगे था अमेरिका से, राइट, वो अलग टॉपिक हो जाएगा जियोपॉलिटिक्स वाला। फर्स्ट में ये भी एक्यूरेसी दी है, देखो रशिया का प्लान, यूएसएसआर का स्पेस वो जो होता था, एवरीथिंग यूज्ड टू हैपन इन सर्बिया, उन्होंने सर्बिया ही बताया, सर्बिया ही बनाया, यस। अरे मिलन भाई म्यूट पे बोल रहा है, अपन म्यूट करो। नहीं हाँ मैं एक पॉइंट उसी कैटेगरी पे शेयर करना चाहूंगा, जब ये देखना गुरुओं का टाइम चला गया ना, then ultimately they came to science, professor jack जो आए ना उसके बाद,
और उसकी भी कहानी विवेक तुम्हारी जैसी है कि मतलब जो शेयर कर रहे थे एक एक बार उसको भेज दिया स्पेस में अब एंड यू नो कि व्हाट एनिमल ही इज राइट अब मतलब कितना भी कोई आपको ब्लैकमेल कर ले कुछ भी कर ले वो वापस राका को भी बुलाता है ये एक स्टोरी है अगर लड़की का चक्कर बाबू भैया एक और ऐसा तो इंसिडेंट नहीं है जिसमें वो उसमें केज में डालता है जो साइंटिस्ट केज बनाता है जो ब्रेक नहीं हो सकता है ब्रेक नहीं हो सकता बनाया तुमने ताला नहीं बनाया उसको ताला नहीं बनाया इसे कब याद आएगा वो ताला टूट सकता है अरे ताला भी उसी मटेरियल का बनवा देते है मतलब गेज बना दी हमने सब बना दिया वो ताला वो क्या लिंक लॉक लगा करके चले गए वो लोग क्विकली फिर नानी सोनकी और बादल पे भी बात कर लेते हैं ना नानी सोनकी जादूगरनी रहती है राइट सोनखा और बादल सोनखो शानखो शानखो नानी शानखो अजीब सा नाम है उसका और फिर उसके बाद और चाचा चौधरी वापस जाते हैं सेकंड टाइम बॉटल लेने के लिए पागल है क्या साला हजार साल लगते हैं एक बॉटल को हजार साल लगते हैं मेरे को मैन्युफैक्चर करने में फिर उसका भी एक गुरु आता है ना गुरु सांबोध राका का हमला में एक आते हैं बाद में आते हैं रोला भोला रोला हाँ। बहुत सारे बाबा हैं मतलब सर एक चीज अच्छी लगती है ना बाबा लोग ऐसे साबू को गिनते नहीं है जैसे नॉर्मल पीपल लोग का रमेश भाई साबू ना ये तो बच्चा है राइट लेकिन हम भी बहुत अचंभे देख रखे हैं राइट देवर लाइक हमेशा जितनी झड़प ना साबू को शायद चाची से पड़ती होगी उतनी इन बाबा लोगों से पड़ी है उसको जो जो शुरुआत की दो तीन तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट साबू पे करते हैं ना तुम्हें विश्वास और जब जब ये लोग हिमालय जाते हैं ना अपना हेल्प सीक करने के लिए साबू और चाचा चौधरी तब तक एक लाइन जरूर दिखाई बताई गई है चोरों की हाँ तो जब वो लोग हिमालय जाते हैं तो ये दोनों चोर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब चलो चोरी करनी चाहिए या डाका करना चाहिए तो दोनों चोर आपस में एक चोर समझदार होता है वो कहता है कि नहीं अभी चाची है घर पे वो ज्यादा खतरनाक है चाचा चौधरी से अरे चाची बेलन दिखाती राका को याद है जैसे बड़े मजनुओं को देखा मैंने जिंदगी में वो बहुत सही लगता है राइट लेकिन चाची को फर्क नहीं पड़ता साबू ये साबू को रोज खाना खिलाती है राइट हाँ, उसका एक ही काम है सुबह उठ करके खाना बनाना साबू को खिलाना नेक्स्ट डे रिपीट दैट्स इट चाचा को ये चीज बताओ कि चाची मेरे को दो कैरेक्टर और याद है जो मैंने बचपन में पढ़े थे बट इसमें बहुत कम आए हैं एक तो आया ही नहीं एक तो उनका कुत्ता रॉकेट और टिंगू मास्टर हाँ रॉकेट एक टिंगू मास्टर आया क्या किसी में वो छोटा सा रहता है जो टिंगू मास्टर नहीं है वो बहुत मस्त रहता है वो मतलब वो नहीं है टिंगू मास्टर राका से पहले भी एक डाकू था ना जो इसका अपोनेंट था जिसको एक दो बार एक दो किताब में वो आया है शायद छोटा सा टीवी लेकर के आता है छोटा सा टीवी लेकर के कुछ कॉमिक्स में मुझे याद नहीं है राका की फैमिली है उसका चाचा है उसका चाचा है भाई उसका चाचा है उसका भाई है छोटा भाई है गैंग का वो है राइट शर्बीन या जो घोड़े से भाई फॉरेन से आता है ना फॉरेन से आता है उसका फ्रेंड हाँ वो उस समय वो दुबई से आ रहा होता है अच्छा राका की बैक स्टोरी भी बताई गई है इसमें ये अपने राका की तबाही में कि उसकी तबाही में उसको, हाँ। उसकी मम्मी ने उसको ठीक नहीं किया था बचपन में वरना वो ऐसा नहीं बनता तो सारा अपने मम्मी पे डाला था राका हाँ, कहानी सुनाने का तरीका देखा कि मैं बचपन से हरामी था मैं लोगों को मार देता था पाने रोका नहीं पहले मुझे ये चीज नोट करनी है ना ये कहानी बताने का तरीका और जो बूढ़े जो वेदाचार रहे हैं उनका अपना एज बताने का तरीका थोड़ा कैजुअल है ऐसा लगता है बिल्कुल इसमें बचपन से नानी से पूछता है नानी से पूछता है तुम्हारी एज कितनी थी साबू पूछता है आपकी एज कितनी है सबकी उसकी तो हजार के ऊपर है आपकी और तुझे एज और तुझे एज पूछ नहीं बहुत फन फन कॉमिक्स है अच्छा इतना कुछ हम डिस्कस कर लिए थोड़ा आर्ट पे भी थोड़ा डिस्कस कर लें
आर्ट तो मिटा लो अपनी खुजली। मिलन भाई को लास्ट में देते हैं क्योंकि इनका लंबा चलेगा। मैं बता देता हूँ, आर्ट बहुत बेहतरीन था, बिल्कुल मतलब मजा आया जल्दी जल्दी पलटाने में। सर आंखों को बिल्कुल दर्द नहीं होगा आपकी, सब आपको समझेगा कहाँ कौन कट रहा है, कैसे कट रहा है। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स आर्ट नहीं है। हाँ, बहुत सिंपल आर्ट ही थी। yeah. और वही है कि आर्ट पे ज्यादा मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि द क्वालिटी ऑफ आर्ट डिग्रेडेड। अच्छा, जैसे आर्ट दस कॉमिक्स आप, हाँ तो लास्ट के शायद 5-6 कॉमिक्स में वो आर्ट आप देखोगे तो जो पहले सेट किया गया था ना, कॉन्टेक्स्ट सेट किया गया था कि साबू के घुटनों तक है ना नॉर्मल लोगों की हाइट होती है, वो 11 या 12 12वीं इशू तक आप देखोगे लोग ऑलमोस्ट साबू और राका के कंधे तक हैं। तो शायद वो ह्यूमनाइज करने की कोशिश की गई है ज्यादा, थोड़ा ह्यूमन दिखाने की, कि इतने विराटकाय रूप में जो वो थे वो इतना भी नहीं था, तो थोड़ा बहुत मे बी आई डोंट नो टू ब्रेक द इमेज या जो आर्टिस्ट लोग भी शायद बदल गए होंगे, राइट? और मे बी अमाउंट ऑफ वर्क और वो किसने किया वो उस पे भी डिपेंड हो जाता है। इन पे ना ज्यादा डिटेल्स नहीं है, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की है। एग्जैक्टली, अगर देखोगे ना मिलन भाई, तो पहली कॉमिक्स ही मैंने पढ़ी थी तो शायद मैंने ग्रुप में डाला था, भाई ये राका गया है प्लेन के अंदर बैठ के, साबू जा रहा है प्लेन के ऊपर बैठ के, कैसे हो सकते हैं ये सेम साइज? तो विवेक भाई ने बोला भाई उसका बड़ा वाला प्लेन था, या किसने तो बोला बड़े प्लेन गया है वो बॉम्बर एयरक्राफ्ट में बैठ के गया था। तो ये मतलब टिपिकली कार्टून लॉजिक फॉलो करते हैं और कार्टून लॉजिक इज बेस्ट लॉजिक। टॉम एंड जेरी पोपाई देखते हुए हम नहीं सोचते साला इसके डोले ऊपर कैसे जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, फिर और ये पूरा प्लेन उठा के जा रहे हैं। लॉजिक मत ढूंढो, बस कॉमिक्स को एंजॉय करो, पढ़ो, जहां तक आपको वो एंजॉयमेंट दे रही है तब तक वो ठीक है, जहां से नहीं तो नहीं, और क्या भाई। मतलब थोड़ा आगे चला जाऊंगा, अगर मैं बोलूंगा आजकल जो ये वन पंच मैन जैसी मांगा आती है ना, जिसमें हीरो की सुपर पावर है वो एक पंच से सबको हरा देता है, बट वो आप देखते रहोगे क्योंकि उनका कहने का तरीका, एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टोरी इतना मस्त है कि आप पूरी एनिमे भी देखोगे, मांगा भी पढ़ोगे। तो इधर भी वैसे ही है, राका है जो मरता नहीं है, ठीक है, उसको कैसे मार रहे लोग, इसलिए बोल रहा हूँ कि राका इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, क्योंकि बार बार आता है। वही कहना चाहता था कि फैंटम कॉमिक्स भी वैसे ही है कि फैंटम ना हार्डली 3-4 पेजेस में आता है और पूरी कहानी में उसके जो मेन विलन लोग होते हैं, राइट, दे आर बेसिकली एंटागोनिस्ट ऑफ दैट स्टोरी, सॉरी एंटागोनिस्ट बोल रहा हूँ, प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दैट स्टोरी। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, 64 पेजेस में आप देखोगे चाचा चौधरी साबू शायद हार्डली 10 पेजेस में होंगे, पूरे 40-50 पेज में वो राका का जर्नी ही दिखाते होंगे। तो बेसिकली अब द बॉयज जैसी कोई सीरीज बनेगी ना राका पे, राका के पर्सपेक्टिव से दिखाएंगे तो राका इज द हीरो। आप बस मनु जी को ले आओ, मनु जी भी रह गए, बस उसी को ले आओ भाई बच्चे। अरे फैंटम तो नहीं है आप, राइट, हर बात में मनु जी अमालगमेशन ऑफ आर्टिस्ट्स, राइट। आज ऑलमोस्ट क्योंकि 1 घंटा होने वाला है तो क्विक दो शब्द है किसी के तो प्लीज बोल दीजिए, और मे बी अगर लोग कहेंगे तो एक और पॉडकास्ट बनता है राका पे मेरे ख्याल से, क्योंकि काफी बुक्स हैं। जब मैं लास्ट जाता हूँ, मैं लास्ट जाऊंगा, डिस्कस कर लेते हैं ना गोर वाला थोड़ा सा जो आप लोग बात करना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो किलिंग जो हुई है, राइट, तो मे बी विवेक भाई आपका अगर कुछ कहना हो या जो भी आपको। गोर वाला तो ऐसा है ना कि मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा था पहले, लेकिन मैं समझ गया था कि ये राका की सीरीज में ये सब देखने मिलेगा टू जस्टिफाई हिज कैरेक्टर, बाकी उससे पहले कभी भी प्राण ने ऐसा दिखाया नहीं था। लेकिन मुझे तकलीफ वहां पर होती थी कि मतलब होता है ना कि उसने ऑलरेडी एक बच्चे को किल किया हुआ है, फिर उसके बाद एक छोटी बच्ची आती है उसके सामने, उसको भी मारने वाला होता है। तो अगर कोई मॉडर्न मतलब इस टाइम का स्टोरी राइटर होता है तो जैसे ही मारने वाला होता है वैसे ही चाचा चौधरी और साबू आ जाते हैं बचाने के लिए। एक चीज बोलना है ना, राका को देख के आपको वो क्रुएल्टी और वो सब फीलिंग नहीं आती थी, तो ही हैड टू समहाउ शो कि ही इज द एब्सोल्युटली पॉइंट बताया ना। छोटा सा एक नोटिस किया मैंने, मुझे बहुत हंसी आई कि बच्चे मर रहे थे कोई नहीं आया, एक बुढ़िया को मार रहा था राका और साबू आके बचा लेता है। मैंने कहा ये बुढ़िया तो वैसे ही मर रही थी, इसको भी बचा रहा है भाई। तो बच्चों को बचा लेता भाई या फिर पुलिस वाले को बचा लेता। बाद में शायद प्राण जी को याद मुझे मुझे लगता है कि नैरेटिव बनता होगा और जहाँ पे उनको लगता होगा कि यहाँ पे साबू और चाचा चौधरी को एंट्री कराना होता है तो उस टाइम पे जिसकी बारी होती है वही मर रहा होता है और ये आ जाते होंगे फिर। बाकी मैं कहता हूँ कि 8-9 साल के बच्चे या 10 साल के बच्चे के लिए
इट्स गोर बट उसके ऊपर इट्स नथिंग कुछ उसके ऊपर इट्स ओके हां उसके ऊपर इट्स ओके हां वो तो छोटे छींटे एंड एवरी मैं तो बोलता हूं आजकल के बच्चों के लिए वो 8-9 साल के बच्चों के लिए वो भी इट्स नॉट गोर नहीं मैंने तो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मारकाट मचाई है बट इट्स नॉट लाइक ब्रूटल वाला ब्रूटल की भाई अथड़िया पथड़िया दिखा दी तुमने और चेहरे पिचके हुए दिखा दे इट्स जस्ट लाइक गाजर मूली के जैसे काट रहा है वो और वो वैसे ही है मतलब साइड पे राइट उतना इग्नोर कर सकते हो मतलब उसको उतना आंखों को चुभता नहीं है वो कि भाई कुछ ऐसा चुभने वाला नहीं है लाइक कंपेयर करोगे ना उसको द वॉकिंग डेड के साथ वैसे ही मतलब गर्दन वर्दन काट देता है किसी को तो बीच में पूरा चीर डाला था आर्ट के ऊपर सिंपल है तो आपको लग नहीं रहा है अगर यही आर्ट थोड़ा सेमी रियलिस्टिक होता नागराज ध्रुव की कॉमिक्स में तो बहुत ज्यादा अजीब लगता है एक आदमी भी वैसा कटता हुआ दिखा देते तो और हर कॉमिक्स में वो गौर था ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले कॉमिक्स में था दे कंटिन्यूड दैट सेम पैटर्न टिल द लास्ट और प्रॉब्लम ये है मुझे लगता नहीं यार कि राका का ना स्टोरी एंड हुआ है हालांकि कॉमिक्स का नाम था आखिरी जंग राका आखिरी जंग लेकिन दैट इज नॉट थोड़ा सा ब्रीफ क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं हो क्या हुआ उसमें उसमें था कि वही आज यूजल दिखाते हैं कि राका छूट गया है कहीं से और वही आज यूजल सबको मार रहा है और साबू चाचा चौधरी आते हैं इसको हेलीकॉप्टर में लेके जाते हैं और वही आज यूजल किसी अटलांटिक ओशन में या कहीं भवर पे डाल देते हैं। इसमें एक और चीज भी है राका जाके ना एस्ट्रॉइड लेके आता है मैंने ना पूरे नोट्स लिखे हैं 4 पेज के राका पे ओ भाई। बाप मैं बोलता हूँ इसके लिए सेकंड पॉडकास्ट बनता है अगर लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग सेकंड में लेके आ सकते हैं जिसमें थोड़ा और डिटेल में स्टोरीज में जाएंगे और बात करेंगे एक सब रैप अप करते हैं सब लोग अपने 2-2 मिनट देके लेट्स रैप अप राका एंड बेस्ड ऑन हाउ पीपल वांटेड वी कैन डू अ मोर डिटेल्ड सेशन हां जी भाई आपका क्या पॉइंट है गोर के ऊपर आपने जो क्वेश्चन पूछा था नहीं आई थिंक उन्होंने ना मतलब ब्रांड सर को ये था कि मुझे एक डाकू दिखाना है ठीक है और डाकू विभत्स दिखाना है तो मैं क्या क्या चीजें इसमें डाल सकता हूँ जैसे अगर आप टाइटल कवर देखो कईयों में ऐसा है ना कि देयर विल ऑलवेज बी वेपन इन वन हैंड एंड ए लेडी इन द अदर हैंड ठीक है जो जो राका की तबाही में है या कहीं पर भी जब भी वो किसी लड़की का अपहरण करता है तो उसके बाद आग जल रही होती है और ये चीजें है ठीक है एंड देन द अदर थिंग वाज कि यार इसमें ना क्योंकि विमेंस को भी उतनी बेहरीमी से मार रहा है ठीक है हाथ में ये करके इधर उधर काफी प्रोग्रेसिव विलन है हाँ मतलब कि उसको कोई ना नो डिस्क्रिमिनेशन है ठीक है कि और ही इज मोर जब भी पुलिस आती है ना तो देन उसका अंदर का वो निकल के आता है कि उनको तो बस मार ही देना है देर इज और वो एक्चुअली नई जो रीसेंट बुक्स में ना बहुत कम हो गया मैंने देखा कि तब वो उसको सीधा अब डिक्टेटर बनना है ठीक है एंड तो उसको फिर ना कि फिर उसको इतना मेहनत नहीं करने की एक एक को चुन चुन के मारू मेरे को बॉम्ब फेंक के मार देना है सबको ठीक है देन दैट बिकम्स हिज ऑब्जेक्टिव एक कॉमिक्स भी थी ना वैसे राकास हाइड्रोजन बॉम्ब ठीक है तो आई थिंक सर ने बहुत सटली पोर्ट्रे करा है बट अगर जैसे कि हम तो रीडर पहले ना आर्टिस्ट मतलब आर्ट बाद में देखते हैं तो वो पढ़ते पढ़ते ना ऐसा यही लगता है कि मतलब आज की जब देखेंगे तो देयर विल बी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस थिंग राइट कि दिस इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग दैट इज बीइंग शोन इन अ किड बुक दैट इज मेड फॉर किड्स इट मे नॉट बट अभी तो कूल हो गया है ना जीत भाई कूल भी मतलब दो अभी तो दो धड़े हो गए एक जो जिनको ये नॉर्मल लगता है दूसरा तो हर छोटी चीज पे आवाज उठा देते हैं लड़की को लड़की बोल दिया बच्चों की किताब में आज के दिन में अप्रूव नहीं होगा अब वो जमाना दूसरा था ये जमाना दूसरा है विवेक भाई आपके पास कुछ था उससे पहले मेरा एक छोटा सा पॉइंट था जो मुझे लगा कि जब राका को इन्होंने इतनी बार अंतरिक्ष में भेजा ना तो मैं अपने ख्याली पुलाव बनाने लगा कि कहीं तो ये ना एलियन के साथ मिलके भी कुछ करने वाला है तो ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं ये अच्छा पॉइंट है आपका 17वीं कॉमिक्स निकालने के लिए ठीक है ओवर कॉपीराइट ले लो डायमंड सर निकाल दो हाँ या तो आइडिया पिच कर दो नहीं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग मुझे लगता है जितना हम लोगों ने एंजॉय किया ये वीडियो आप लोग भी एंजॉय करेंगे हमारे व्यूअर्स और चूंकि ये काफी पॉपुलर कैरेक्टर है और काफी पॉपुलर आर्टिस्ट ने बनाया है
तो हमको पॉपुलैरिटी में लाइक्स और कमेंट्स दीजिएगा इसमें तो और ये भी बताइएगा, क्योंकि हम लोग बहुत आज थोड़ा सा टाइम क्रंच है, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग इसका पार्ट टू भी लेकर के आएंगे, और प्लीज अपने थॉट्स शेयर करिए कमेंट्स में, और लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। चलो थैंक यू गाइस, चलो थैंक यू गाइस, बाय।